हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हेडेक सीरीज में हम बात करेंगे माइग्रेन पे, जिसे कि आधे सिर की दर्द भी बोला जाता है। वैसे तो माइग्रेन बहुत ही कॉमन है और इसका बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है, लेकिन कई बार हमारे पास पेशेंट दूर दराज से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कई सालों से माइग्रेन है, बहुत सिवियर माइग्रेन है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी अच्छे ढंग से अपना इलाज नहीं कराया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेन किन लोगों में ज़्यादा होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं और इसका क्या उपचार है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माइग्रेन किनको होता है। ज़्यादातर माइग्रेन हम औरतों में देखते हैं। आदमियों के मुकाबले औरतों में 2 से 3 गुना ज़्यादा माइग्रेन की दिक्कत होती है। वैसे तो माइग्रेन बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है कई पेशेंट्स में ये 10-12 साल में शुरू हो जाती है, कईयों में 15 से 20 साल के बीच में आती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में ये 30 साल से पहले शुरू हो जाती है। लेकिन माइग्रेन की पेन किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है, कई बार ये ओल्ड एज में भी शुरू हो सकती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये 30 से 50 साल के बीच में देखी जाती है। माइग्रेन की पेन जो होती है, ये साल में 1 से 2 बार से लेके 1 हफ्ते में 3 से 4 बार भी हो सकती है। माइग्रेन की दर्द बहुत ही तेज दर्द होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये आधे सिर में एक तरफ या दूसरी तरफ भी हो सकती है। ये पेन 4 घंटे से लेके 3 दिन तक रह सकती है। माइग्रेन की पेन बहुत ही तेज, पेशेंट ऐसा फील करता है जैसे कि सिर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, ये सिर में धक 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 हो रही है, ये पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट करती है। इसके अलावा जब भी पेशेंट को माइग्रेन होती है, ऐसे पेशेंट्स धूप के लिए, शोर के लिए, तेज गंध के लिए भी सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा तेज धूप, शोर, स्मेल भी उनमें माइग्रेन की दर्द कर सकती है। कई पेशेंट्स में माइग्रेन की दर्द शुरू होने से पहले या दर्द के साथ ही कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं। इन सिम्टम्स को हम ऑरा बोलते हैं। इनमें सबसे कॉमन है विजुअल ऑरा, मतलब पेशेंट्स को आंखों के आगे चमकदार सी लाइटें दिखाई दे सकती हैं, काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं या लाइट्स के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स अपनी टांगों और बाजुओं में कुछ चलता फिरता भी फील कर सकते हैं या उसमें सुनगी सी महसूस कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके सिर पे पानी डाल दिया है या उनके सिर पे चींटियां चल रही हैं। कुछ पेशेंट्स को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। कई पेशेंट्स माइग्रेन की दर्द के साथ उनकी टांग और बाजू में कमजोरी आ जाती है, तो ये सारे माइग्रेन के ही लक्षण हैं। इसे हम माइग्रेन विद ऑरा बोलते हैं, जिसे कि हम क्लासिकल माइग्रेन बोलते हैं। कई पेशेंट्स में ये ऑरा वाले सिम्टम्स नहीं होते। इस कंडीशन को हम माइग्रेन विदाउट ऑरा बोलते हैं, जो कि कॉमन माइग्रेन है। माइग्रेन की दर्द में पेशेंट के दिमाग की नसें कुछ देर के लिए सिकुड़ सी जाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग में खून की सप्लाई कम हो जाती है। इसी की वजह से ये ऑरा वाले सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादातर ये ऑरा आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक हो सकता है। अगर पेशेंट्स को इससे ज़्यादा इसके सिम्टम्स रहते हैं, तो हमें बाकी बीमारियों के लिए भी अपना चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स में हेडेक के अलावा और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं माइग्रेन के, अब मैं आपको ये बताऊंगा। पेशेंट्स को कुछ मानसिक लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट्स डिप्रेशन फील कर सकता है, घबराहट फील कर सकता है, थकान फील कर सकता है, चिड़चिड़ापन फील कर सकता है या कन्फ्यूज़न फील कर सकता है या उसको कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है। ये कुछ मानसिक लक्षण हैं जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूरो के सिम्टम्स पेशेंट्स को हो सकते हैं, उसमें आँखों के आगे धुंधलापन होना, शरीर में सुनगी सी फील करना, ऐसा लगना कि जैसे सिर के ऊपर पानी पड़ रहा है या चींटियां चल रही हैं, चक्कर से आना,
पेशेंट्स को बहकी बहकी बातें करना, पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं, उनको पैरालिसिस वाले लक्षण भी आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल से लक्षण भी पेशेंट्स में आ सकते हैं, जैसे कि पेशेंट्स के चेहरे पे सोजिश होना, मुंह का लाल होना, हाथ पैर का ठंडा होना, बालों का झड़ना, भूख कम लगना, उल्टी होना या उल्टी का दिल करना, खट्टे डकार आना। कुछ पेशेंट्स को लूज मोशंस भी हो सकते हैं या कईयों को पेशाब ज़्यादा आ सकता है। ये सारे लक्षण या इनमें से कुछ लक्षण माइग्रेन वाले पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा माइग्रेन की दर्द किन किन चीज़ों से बढ़ सकती है। इसे हम माइग्रेन के ट्रिगर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, धूप से, शोर से, तेज गंध से माइग्रेन की दर्द बढ़ती है। तो कभी भी आप धूप में जाएं तो अपना छाता लेके जाएं, धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें, ज़्यादा शोर से अपना बचाव करें और परफ्यूम वगैरह ना लगाएं। कुछ खाने वाली चीज़ों से भी माइग्रेन की दर्द बढ़ती है, जैसे कि ज़्यादा मसालेदार खाना, अचार वगैरह खाना, चॉकलेट से, पीनट बटर से, आइसक्रीम से। कई बार बाहर के खाने में कुछ एडिटिव्स मिले होते हैं, उसकी वजह से भी माइग्रेन की दर्द बढ़ सकती है। इसके अलावा नींद कम लेना या नींद ज़्यादा लेना, दोनों की वजह से माइग्रेन की सिर दर्द हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन की सिर दर्द हो सकती है। कई बार पेशेंट्स ट्रैवलिंग में माइग्रेन की सिर दर्द महसूस करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा एक्जर्शन होना या भूखे रहने से भी माइग्रेन की दर्द बढ़ सकती है। कई बार लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं उस दौरान भी माइग्रेन की दर्द बढ़ जाती है। कई पेशेंट्स जैसे मौसम चेंज होता है, चाहे वो हाइट पे चले जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी माइग्रेन की दिक्कत बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, माइग्रेन से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए? हमें अपना खाने का टाइम और सोने का टाइम हमारा प्रॉपर होना चाहिए। हमें अपना खाना स्किप नहीं करना चाहिए, हमें फास्ट वगैरह अवॉइड करने चाहिए, हमें एक टाइम पे खाना खाना चाहिए और हमें एक टाइम पे ही सोना चाहिए और उठना चाहिए। इसके अलावा जब हम सोते हैं तो हमारा कमरा शांत हो, अंधेरे वाला हो, कंफर्टेबल हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपको प्रॉपर नींद रात को नहीं आती है तब भी आपकी माइग्रेन की दर्द बढ़ सकती है। जब भी आप सोने जाएं तो कोशिश करें सोने से 1-1.5 घंटा पहले अपना टीवी, अपना मोबाइल ये सारा बंद कर दें। अगर आप सोने से पहले लगातार टीवी या मोबाइल देख रहे हैं तब भी आपको माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल सोने से थोड़ी देर पहले तक मत लें इसे। अगर इसको लेना है तो इसको काफ़ी देर पहले लें ताकि आपको इसका इफेक्ट सोने से पहले कम हो जाए और आप आराम से सो सकें। कई पेशेंट्स बताते हैं कि वो अगर वो मेडिटेशन करते हैं तब भी उनका माइग्रेन के अटैक कम हो जाते हैं। तो सोने से पहले 10-15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेन वाले पेशेंट्स में कौन कौन से सप्लीमेंट्स उनके लिए अच्छे हैं। माइग्रेन वाले पेशेंट्स को बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम की टैबलेट्स, विटामिन डी की टैबलेट्स और कई सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें को एंजाइम Q10 होता है। ये सारे सप्लीमेंट्स माइग्रेन की दर्द को कम करते हैं। आप डिस्कस करके अपने डॉक्टर से ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अब माइग्रेन वाले पेशेंट्स में कौन कौन से खाने अच्छे माने जाते हैं? माइग्रेन वाले पेशेंट्स में ओट्स बहुत अच्छे हैं। फ्रूट्स की बात करें तो सेब, केला बहुत अच्छा है। इसमें मैग्नीशियम बहुत मात्रा में होता है जो माइग्रेन की दर्द को कम करता है। इसके अलावा अंडा, दूध ये भी माइग्रेन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोएंजाइम Q10 होता है जो माइग्रेन के अटैक्स को कम करते हैं। अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। कई बार शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट्स को माइग्रेन के अटैक आते रहते हैं, तो अपनी हाइड्रेशन को अच्छा रखें। कम से कम दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। इसके अलावा ग्रीन टी, अदरक वाली चाय, पुदीने वाली चाय भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी है।
नींबू पानी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आप दालचीनी और लौंग का सेवन भी बढ़ा सकते हैं। एक घरेलू नुस्खे में आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर इसको भी रोज ले सकते हैं। इससे भी आपके माइग्रेन के अटैक कम हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर माइग्रेन की दर्द हो ही जाती है, कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ही दर्द होती है, बार बार होती है, इवन दवाइयों से भी वो ठीक नहीं होती, तो आप इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? सबसे पहले कोशिश करें, जब भी माइग्रेन की दर्द हो, आप एक अंधेरे कमरे में आराम करें। जो भी मैंने आपको पहले ट्रिगर्स बताए हैं, इससे अपना बचाव करें। आप अपने सिर की थोड़ी सी मालिश कर सकते हैं तेल लगाकर। इसके अलावा अगर मेडिसिंस की बात करें, मेडिसिंस में आप पैरासिटामोल ले सकते हैं अगर आपको हल्की दर्द है। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप नेप्रोक्सन, ब्रूफन या एस्पिरिन की टेबलेट्स भी ले सकते हैं। कई पेशेंट्स में इन दवाइयों से भी दर्द नहीं हटती, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रिप्टन्स वाली मेडिसिन देते हैं, जैसे कि रिजाट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन। तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके ये वाली मेडिसिन आप अपने पास रख सकते हैं। कई पेशेंट्स में जिनमें माइग्रेन्स महीने में 4 बार या इससे ज़्यादा बार हो रहा है और माइग्रेन का अटैक बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे कि 12 घंटे से ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को में हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी होती है कुछ महीनों के लिए, जिससे इनका माइग्रेन का दर्द बार बार नहीं होता, अगर होता है तो उतना तेज नहीं होता और दवाइयों से जल्दी फर्क पड़ता है। इसे हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अगर आपको माइग्रेन की दर्द ज़्यादा रहती है तो आप ये मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज में भी माइग्रेन होता है, तो प्रेगनेंसी का माइग्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? 65% प्रेग्नेंट लेडीज में माइग्रेन के अटैक कम हो जाते हैं, 20% लेडीज में ये अटैक बढ़ जाते हैं, 15% लेडीज में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी देखा जाता है जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें माइग्रेन के अटैक कम होते हैं। अब प्रेग्नेंट लेडीज को अगर माइग्रेन की दर्द होती है तो ऐसी लेडीज के लिए ज़्यादातर मेडिसिन सेफ नहीं है, उन्हें ज़्यादातर मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन वो पैरासिटामोल आराम से ले सकती हैं। इसके अलावा जो मैंने घरेलू नुस्खे बताए वो आप अपनाएं और ट्रिगर से अपना बचाव रखें। कई बार कुछ पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमें माइग्रेन है, क्या हम कभी कभी अल्कोहल ले सकते हैं? वैसे तो फ्रेंड्स, अल्कोहल को माइग्रेन में बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। रेड वाइन, बियर, बिस्की, स्कॉच, ये सारे अल्कोहल माइग्रेन के अटैक को बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अल्कोहल लेना चाहते हैं तो आपके लिए वोडका सबसे अच्छा अल्कोहल है। ये सभी अल्कोहल बीवरेजेस में ऐसा अल्कोहल है जो सबसे कम माइग्रेन के अटैक को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये माइग्रेन के बारे में सारी जानकारी थी। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।